आप देख रहे हैं एआरटीवी चैनल। एडवोकेट वहीदुद्दीन अहमद ने एक वीडियो जारी करते हुए वजीर आला केसीआर और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं वो मजीद क्या कह रहे हैं। रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से, खुसूसन कल्वाकुंतला तारका रामाराव साहब से, क्योंकि ये लोग हुकूमत के जिम्मेदार हैं और मेरी पार्टी के सुप्रीमो हैं। मैं मेरी पार्टी के सुप्रीमो से एक अदबन गुजारिश करता हूं, आज क्योंकि इस माहौल में मुसलमानों में एक बेचैनी है कि एक महीना तमाम हमने रोजा रखा है और रोजे के बाद एक दिन ईद का आता है, वो ईद का दिन एक महीने के बाद जो उजरत मिलती है उसका फल होता है और ईद का दिन बड़ा ही मुकद्दस दिन होता है। मैं रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से ख्वाहिश करता हूं, आपने एक महीना बिना किसी रुकावट के हमको बासानी से, आपने नाइट कर्फ्यू भी हालात के पेश नजर लगाया है लेकिन पूरी सहूलत पहुंचाई है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक दिन सिर्फ 6 बजे से 8 बजे के दरमियान में हमें वक्त दिया जाए कि ईद की नमाज अदा कर ले, क्योंकि ये ईद की नमाज अल्लाह ताला की दुआओं की मकबूलियत का दिन होता है और मुसलमान बेचैनी से ईद की मौके पर खुसूसन कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करेंगे और रियासत की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। मैं हुकूमत से इस बात की अपील करूंगा, मेरी रियासत के वजीर आला से, बाजुक पड़ोस की रियासत है आंध्र प्रदेश जहां पर मस्जिद में नमाज करने का मौका दिया गया, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाइए, एक से जायद जमात भी लगा लेंगे, डिस्टेंस को भी मेंटेन करेंगे, मास्क भी लगाएंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं क्योंकि बाजारों में भी इतनी पब्लिक हो रही है, हालात के पेश नजर मुसलमानों में एक बेचैनी है क्योंकि 30 दिन वो लोग लगातार रोजे रखे हैं। मैं आप एक हरकियाती डायनामिक और अकलियतों के लिए मसीहा कहलाने जाने वाले अकलियती दोस्त चीफ मिनिस्टर हैं, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं केसीआर साहब, क्योंकि मैं भी तेलंगाना राष्ट्र समिति इससे शुरू से वापसता हूं, पार्टी जब से कायम हुई मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं एक रोज, क्योंकि मुसलमानों में उलमाए कराम में तकरीबन लोगों में बेचैनी है, आप सिर्फ कुछ कंडीशन लगाकर 60 या 65 लोगों पर एक से जायद जमात बनाकर 1 घंटे में 2 घंटे में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कोई इसमें कोई चीज नहीं होती, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं होती, सिर्फ वहां पर अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं और शुक्राना अदा करते हैं और दुआ करते हैं। आप देख रहे हैं एआरटीवी चैनल।